लोकसभा चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। प्रचार के आखिरी समय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई सवाल खड़े किए। खड़गे ने कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कहा, चुनाव शांतिपूर्ण हुए हैं, मैं मीडिया के सभी लोगों को बधाई देता हूँ। इसके बाद पीएम पर हमला करते हुए खड़गे ने कहा कि कल पीएम मोदी ने सारी दुनिया को बताया कि उन्हें महात्मा गांधी के बारे में एक फिल्म देखकर पता चला। पीएम अगर पढ़ते या पढ़े होते तो ऐसी बात नहीं करते। उनका बयान आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि अगर पीएम को गांधी के बारे में नहीं मालूम तो उन्हें संविधान के बारे में नहीं मालूम होगा। 4 जून के बाद उन्हें फुर्सत मिलेगी तो गांधी की ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ें। खड़गे ने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी राजनीति नफरत से भरी हुई है। उन्होंने देश के लोगों के लिए कहा कि आज शाम चुनाव प्रचार खत्म होगा। 18वीं लोकसभा चुनाव लंबे समय तक याद रखे जाएंगे। देश का हर नागरिक जाति धर्म पंथ से ऊपर उठकर एक साथ आया और हमने मुद्दों के ऊपर वोट मांगा। पीएम मोदी के ध्यान लगाने के लिए विवेकानंद केंद्र जाने पर चुटकी लेते हुए खड़गे ने कहा कि विवेकानंद केंद्र में ध्यान लगाने या गंगा में डुबकी लगाने से ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि उसके लिए पढ़ना पड़ता है। मोदी ने पिछले 15 दिनों में 232 बार कांग्रेस का नाम लिया, 758 बार अपना नाम लिया, 573 बार इंडिया गठबंधन और विपक्षी पार्टियों की बात की, लेकिन एक बार भी महंगाई का नाम नहीं लिया। खड़गे ने आगे इंडिया ब्लॉक के साथियों से कहा कि वे एकजुट होकर बिना डरे चुनाव लड़े। साथ उन्होंने साथियों चुनाव में सफलता के लिए बधाई भी दी। खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को धर्म से जोड़कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ही नहीं किया बल्कि इसे नीचा भी दिखाया है। चुनाव से पहले कांग्रेस के खाते बंद कर दिए गए, 132 करोड़ का जुर्माना लगाया गया ताकि हम चुनाव में इन पैसों का इस्तेमाल ना कर सकें। सरकार तानाशाही की ओर आगे बढ़ रही है। जनता ये बात समझ गई है कि ये सरकार संविधान पर वार करेगी। खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने मंदिर मस्जिद मुस्लिम पाकिस्तान की बात की है, जबकि चुनाव आयोग ने कहा कि धर्म और जाति के नाम पर कोई अपील चुनाव में नहीं की जा सकती। पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों पर बोलते हुए खड़गे ने कहा, 2014 और 2019 में वो इतना परेशान नहीं हुए, इस बार 206 रैलियां की, कुछ तो गड़बड़ है। आजकल वो गली गली भी चले जा रहे हैं।